जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन की डिटेल ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, जिस वीडियो में कि उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस वीडियो का लिंक आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। यह वीडियो आपके लिए इसलिए देखना अनिवार्य है क्योंकि इस वीडियो में हमने इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी बताया है, जिसे हम आज की वीडियो में नहीं दोहराएंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 डेफर्ड इनकम की ही डिटेल को समझ रहे हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शंस के बेनिफिट के बारे में। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनते हुए देखिएगा, अन्यथा आप कुछ न कुछ मिस कर देंगे। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट, सालाना 1,00,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे सम अश्योर्ड लिख दिया है, वो है 10,00,000 रुपए का। तो जैसे ही यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होंगे, सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट, जो कि सालाना प्रीमियम का 1% होगा। और जो सर्वाइवल बेनिफिट है प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद, यानी कि जैसे 10 साल हैं तो 11वें साल के अंत से आपको मिलना चालू होते हैं। किस तरीके से, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद वाला जो साल कंप्लीट हो रहा है उसके एंड से आपको मिलना चालू हो रहे हैं। पॉलिसी ईयर, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो पॉलिसी के 11वें साल के अंत में हमें 30% सालाना बेस प्रीमियम का गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हर साल ये 3-3% की दर से बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। कब तक? पॉलिसी टर्म के अंत तक, यानी कि जब पॉलिसी का जो 20वां साल आएगा, अंत होगा उसका, तब सालाना बेस प्रीमियम का 57% आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? सेम ही है कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू सालाना बेस प्रीमियम गुणा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर गुणा 1+ हाई प्रीमियम बेनिफिट, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता है मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो हमने मान लिया कि 10 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिए और 11वें साल से इनको इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो गया, जो कि सालाना बेस प्रीमियम का 30% था, यानी कि 30,000 रुपए। उसके बाद ये हर साल 3-3% बढ़ता रहा। तो बढ़ता रहा है तो पहले 11वें साल के अंत में 30,000 मिला, तो 15वें साल के अंत में 42,000 हो गया बढ़ के, फिर 20वें साल के अंत में 57,000 हो गया बढ़ के, राइट। आप इसको टोटल कर लेंगे, आपके सामने फिगर है ही, तो आपको इससे ये भी अंदाजा हो गया कि इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट की कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको फैक्टर पहले से ही पता लग जाते हैं। अब बात आती है हाई प्रीमियम बेनिफिट की, क्योंकि हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करेंगे तो हाई प्रीमियम बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर दोनों की जरूरत पड़ेगी। हमारा प्रीमियम 1,00,000 रुपए का है, लेकिन अगर आपका प्रीमियम इससे ज्यादा है लेकिन 2,00,000 से कम है और डेफर्ड इनकम ऑप्शन आप ले रहे हैं, तो हाई प्रीमियम बेनिफिट का रेट अप्लाई हो जाएगा 2.25%। और जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है वो आपकी आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और प्लान का कौन सा ऑप्शन आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, डेफर्ड इनकम ऑप्शन लिया है, 35 साल की आयु है, तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर हमारा यहाँ पे 16.5717, ठीक है। तब हम यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट निकाल लेंगे। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एनुअलाइज्ड प्रीमियम हमारा कितना सालाना 1,00,000 रुपए का, उसमें हम गुणा कर देंगे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1+2.25%, यानी कि 2.25%। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 16,94,456 रुपए कुछ पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करें, उसमें बेनिफिट फैक्टर टेबल को फॉलो कर लीजिए, बेनिफिट आपको पता लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शन के डेथ बेनिफिट के बारे में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख लिया है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा सेम तरीके से ही कैलकुलेट हो रहे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं पार्ट। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो समझे। हमने माना श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 6ठे साल के बाद हो गई, तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम हो गया 6,00,000, उसका हम 105% निकालेंगे जो कि 6,30,000 रुपए हो जाएगा। फिर जो सालाना बेस प्रीमियम का हमने 10 गुना किया था, जिसे हमने सम अश्योर्ड लेगा 10,00,000, उसका हम कंपैरिजन करेंगे सरेंडर वैल्यू के साथ में, राइट। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आप सरेंडर वैल्यू निकालना भी सीख जाएंगे। तो हमें सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की, यानी कि जीएसवी की। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, 6 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 0.5000 ये हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है।
ये PDF आपको परसों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि कल इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। ये जब भी आएगा तभी आपको मिल जाएगा। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है उसका हम गुणा कर देते हैं टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, और उसमें से हम घटा देते हैं जितने भी हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुके हों। तो यहाँ पे तो 11वें साल से मिलना है और डेथ हमने मान ली है 6ठे साल के अंत में, तो इस तरीके से हमारा गारंटी सरेंडर वैल्यू 3 लाख रुपए का आएगा। अब यहाँ पे सबका कंपेरिजन कर लेंगे, टोटल पेड प्रीमियम का 105%, सरेंडर वैल्यू और सम अशर्ड ऑन डेथ जो हो गया हमारा यहाँ पे 10 लाख, तो सम अशर्ड ऑन डेथ हमारा ज्यादा होगा, जिसे हमने सम अशर्ड लिखा वही हो जाएगा डेथ बेनिफिट। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपके कमेंट के अनुसार वीडियो लेके जरूर आएंगे। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। अब जो इसका लास्ट ऑप्शन रह गया ट्विन इनकम, उसकी डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो पसंद है तो शेयर करना ना भूले। धन्यवाद आप सभी का।